आ गई है ब्रॉडकास्ट ऑडियो रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी BRC की जानिब से 2021 के 47 हफ्ते की लेटेस्ट TRP रिपोर्ट सामने, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टार प्लस की फुल TRP लिस्ट। तो किस शो को मिला कौन सा पायदान, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए अपने फेवरेट सीरियल का नाम। शुरुआत करते हैं नंबर 11 की पोजीशन से, जिस पर बाजी मारी है विद्रोही ने, जिसने हासिल किए हैं 0.7 की रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हो बात करते हैं नंबर 10 की पोजीशन की, जिस पर दो दो शो से सेम TRP के साथ आमने सामने। पहला शो है चीकू की मम्मी दूर की, जिसने हासिल किए हैं 0.8 की रेटिंग पॉइंट्स, और दूसरा शो है मेहंदी है रचने वाली, जिसने भी हासिल किए हैं 0.8 की रेटिंग पॉइंट्स। अब नंबर आता है 9th पोजीशन का, जिस पर है जिंदगी मेरे घर आना का राज 1.1 की रेटिंग पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हो बात करते हैं नंबर 8 की पोजीशन की, जिस पर है डास प्लस के सीजन 6 का राज 1.2 की रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इस वीक की 7th पोजीशन पर है सातिबाना सातिया 2 का राज 2.0 की रेटिंग पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हो बात करते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, जिस पर बाजी मारी है पांड्या स्टोर ने, जिसने हासिल किए हैं 2.1 की रेटिंग पॉइंट्स। इस वीक की 5th पोजीशन पर है ये हैं चाहते का कब्जा बरकरार 2.2 की रेटिंग पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की पोजीशन की, जिस पर बढ़ती हुई TRP के साथ आ गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने हासिल किए हैं 2.6 की रेटिंग पॉइंट्स। इस वीक की 3rd पोजीशन पर है इमली का कब्जा बरकरार 2.7 की बढ़ती हुई रेटिंग्स के साथ। इस वीक की 2nd पोजीशन पर बाजी मारी है गुम है किसी के प्यार में ने, जिसने हासिल किए हैं 3.2 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उस शो की जिसने छोड़ा सबको पीछे और पहना नंबर 1 का ताज। तो वो शो और कोई नहीं, वो शो है अनुपमा, जो कर रहा है स्टार प्लस पर राज, जिसने हासिल किए हैं 4.3 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट। इससे पहले हमने टॉप 10 अपकमिंग शोज ऑफ स्टार प्लस के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।